हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो सेट आपके साथ नाइटी एंड गाउन के शेयर करने वाली हूँ। एक मैटरनिटी से रिलेटेड है और वैसे भी आप पहन सकते हैं, और दूसरा है हॉट एंड हैपनिंग जो आप कभी भी पहन सकते हैं, और चाहे आप न्यूली मैरिड हैं या फिर कभी भी पहन सकते हैं। आपको देख के पता चल जाएगा क्योंकि चॉइसेस सबकी डिफरेंस होती हैं, बट मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले फर्स्ट गाउन पे आते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहला है हमारे पास ये रेड कलर का गाउन। इसकी पिक आपने थंबनेल में देख ही ली होगी किस टाइप का है। तो सबसे पहले हमें मिलता है इसमें ये टॉप। इस टॉप का कपड़ा की बात करें इसकी तो ना ज़्यादा थिन है ना ही ज़्यादा मोटा है, मीडियम टाइप का आपको कपड़ा मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, इतना पतला भी नहीं है और इतना मोटा भी नहीं है, और ये थोड़ा सा जॉर्जेट मिक्स होता है ना उस टाइप का कपड़ा है ये, थोड़ा शाइनिंग वाला। और इसके साथ हमें ये मिला है ट्राउज़र, पजामा सा बोल सकते हैं, ज़्यादा घेर वेर का नहीं है, सिर्फ पजामा है। और बाकी आप साइड में देख सकते हैं, आपको मैं मेंशन कर दूंगी इसका ट्राई ऑन हॉल भी। तो दो पीसेस ये मिले हैं। तो फर्स्ट लुक में आपको मिलेगा एक टॉप एंड बॉटम जो कि इस तरीके का लुक्स जाएगा, और इस तरीके से आप ये नाइट सूट की तरीके से डेली यूज़ में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं और बहुत ही कम्फर्टेबल भी रहेगा आपके लिए ये। तो दूसरा पीस दिखाती हूँ अब मैं आपको। तो दूसरे पीस में हमें इनर के लिए मतलब अंदर के लिए इस टाइप का गाउन मिला है, ये इस टाइप का। उसमें आगे आपको इस तरीके का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, और इसमें आपको दो फायदे हैं कि आप इसको दो तरीके से कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको अंदर ये स्ट्रैप्स मिलेंगी, और दोनों तरीके से मैंने आपको ट्राई ऑन हॉल में करके दिखाया है कैरी। ये स्ट्रैप मिलेंगे आपको, इस तरीके से भी आप कैरी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रैप ऐसे करके और ऑफ शोल्डर करके इसको ऐसे करके पहन सकते हैं, और सेकंड आप इन शोल्डर को ऊपर करके इस तरीके से भी पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड सेक्सी लुक जाता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक इनर वियर में आपको टू लुक्स मिल रहे हैं इनर का जो है ये वाला। आप इसको अकेले भी पहन सकते हैं, बस ये अंडर का है। और इसके ऊपर से आपको मिलता है ये सरक टाइप का गाउन जो कि बहुत ही प्रिटी है, और इसका डिजाइन कुछ इस टाइप का है, एंड इसमें आपको डोरी ये मिलती है ये बांधने के लिए दोनों। अगर ये आपको आ रहा है टाइट तो आप ये वाली बाहर की साइड वाली जो है ना, इन दोनों को ऐसे टक कर सकते हैं, बट अगर आपको ये आ रहा है लूज तो इसमें अंदर भी दी हुई है ये इस टाइप से अंदर से, ताकि अगर आप ये अंदर वाली ऐसे मतलब आपस में टक करेंगे तो ये आपको एकदम फिटिंग का हो जाएगा, वो भी आपको ट्राई ऑन हॉल में देखने को मिल जाएगा। इसका ऑलमोस्ट अमाउंट 600 समथिंग था, बाकी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस, और इसमें आपको काफ़ी सारे लुक्स देखने को मिल जाते हैं, 3 to 4 लुक्स आपको ईजिली देखने को मिलते हैं, और बहुत ही बोल्ड एंड क्यूट एकदम हॉटनेस वाला लुक आता है इसमें इस अमाउंट में। एंड सबसे बड़ी बात अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने इसको अपनी शादी के बाद लिया था और ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं। डेली तो नहीं पहनती हूँ, स्टार्टिंग में तो मैंने डेली हर दूसरे तीसरे दिन पहनते रहते थे, अब मैं थक चुकी हूँ, लेकिन इसके कपड़े में कुछ भी फ़र्क नहीं आया है, ना ही इसकी साइन गई है। ऐसा नहीं है कि मैंने न्यू परचेस किया है और आपको रिव्यू दे रही हूँ, ना ही इसकी साइन में जरा सा भी फ़र्क है, ना ही ये ख़राब हुआ है कपड़ा, और मैं थक चुकी हूँ उसको पहन पहन के, इसलिए मैंने इसको पहनना कम कर दिया है, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा है। 600 में आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेगा ये। इस नाइटी में आपको सेकंड लुक मिलेगा ये, इसमें आपको स्ट्रैप्स ऊपर कर लेने हैं, और ये आपके जो मतलब इसमें आपको दूसरी साइड जो शोल्डर मिलेंगे वो इस तरीके से कर लेंगे, तो आपका ये बहुत बोल्ड एंड सेक्सी लुक जाएगा जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है। और सेकंड लुक इसमें अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है इसमें, आप इनको ऊपर कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का लुक जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी हॉट एंड हैपनिंग लग रहा है। और नीचे आपको इसमें एक कट भी मिलेगा जो कि देख सकते हैं आप, ये कट भी। इनर वियर में तो काफ़ी ज़्यादा लुक्स का ध्यान रखा गया है, 2 से 3 लुक्स आपको मिलेंगे इजीली जो आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद ये आती है इसकी सरक ऊपर जो गाउन टाइप का है, इसको आप इस तरीके से पहन सकते हैं ऊपर से, जो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, और ये बहुत ही प्यारा लुक जाता है, इसको पहन के ना अलग ही एक कॉन्फिडेंस आता है।
तो ये इसमें ये इस तरीके का कट है, और ऊपर से आपको ये गाउन पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें 2-3 लुक्स और ईजीली आप इसमें 3-4 लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको ये आ रहा है बिल्कुल फिट, तो आप ये वाली बाहर जो स्ट्रैप्स दे रखी हैं इनको टक कर सकते हैं, बट अगर आपको मेरी तरीके से ये लूज़ जा रहा है तो इसमें अंदर भी स्ट्रैप दी गई हैं, उससे फिटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आप ये टक कर लेंगे ना, तो अगर आपको लूज आ रहा है तो इसकी फिटिंग एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। ये वैसे फ्री साइज़ में आता है और ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वेडिंग गाउन हो, बहुत ही कंफर्टेबल एंड लुक वाइज भी बहुत अच्छा। चलिए तो अब सेकंड कॉम्बो की बात करते हैं। सेकंड कॉम्बो है हमारा ये वाले गाउन का, गाउन मैक्सी। ये मैंने परचेज किए थे, इनको भी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है कंप्लीट, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। ये मैंने परचेज किए थे जब आफ्टर डिलीवरी मैंने परचेज किए थे, जब मैं न्यू मॉम बनी थी तब, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसका अमाउंट भी कुछ 500 समथिंग था, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी आपको। इसमें आपको फर्स्ट ये जो ग्रीन वाली है, इसमें आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिलेगा गले का, एंड इसमें आपको ये फ्लोरल वर्क मिल जाएगा इस टाइप का। सो पहनने के बाद कुछ इस तरीके का फ्लावरली लुक आएगा, फ्लावर होंगे, और इसकी लेंथ भी पूरी कंप्लीट है, आप देख सकते हैं लेंथ भी इसमें फुल दी गई है, और कपड़ा भी काफ़ी कंफर्टेबल है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी लग रही है पहनने के बाद ये। और इसमें दो तरीके के गाउन है, दोनों में डिफरेंट डिज़ाइन है, और नेक डिज़ाइन भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड है ये वाली, इसमें आपको कुछ इस तरीके का गले का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और ये फ्लोरल वर्क मिल जाएगा जो कि बहुत ही क्यूट जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब ये आफ्टर प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद आप परचेज करते हैं, बिकॉज ये फीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें यहाँ पे चेन लगी हुई होती है ब्रेस्ट पे, ये देख सकते हैं आप, तो इसलिए ये मैटरनिटी गाउन बोल सकते हैं आप इसको, मैटरनिटी गाउन, मैटरनिटी मैक्सी और मैटरनिटी नाइटी, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा भी काफ़ी स्मूथ है देख सकते हैं, और इसका भी ना ही रंग जाने वाला है, और ये भी थोड़ा जॉर्जेट कॉटन मिक्स इस टाइप का इसका कपड़ा है। तो सेकंड गाउन कुछ इस टाइप का है, और इसमें भी काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। इसमें प्रिंट दिया गया है फ्लावर टाइप का, उसमें बिग फ्लावर थे, इसमें थोड़े स्मॉल प्रिंट में है, बट इसका लुक भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो ये दोनों मतलब सेट थे, एक मैटरनिटी सेट था, मैटरनिटी गाउन सेट, एंड सेकंड था हमारा रेड वाला जो कॉम्बो का पूरा सेट था, उसमें 4 पीसेस थे, इसमें 2 पीसेस थे, और दोनों ही मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। रेड वाले को ऑलमोस्ट 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, एंड जो दूसरे वाला है मैटरनिटी से भी 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। कपड़ा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किए थे, इनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के कंटेंट अगर देखना पसंद करते हैं आप। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टाटा बाय।